ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क शुक्रवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुई सीरीज के पहले वनडे में काफी घातक रहे। पहले वनडे में स्टार्क ने दो गेंदों में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को आउट किया और 49 रन देकर 3 विकेट झटके। मिचेल स्टार्क ने अपना यही जलवा सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी दिखाया और उन्होंने 53 रन देकर 5 विकेट झटके। हालांकि दूसरे मुकाबले में स्टार्क विराट को आउट तो नहीं कर पाए, लेकिन विराट उनके खिलाफ संघर्ष करते हुए जरूर नजर आए हैं। लेकिन इससे पहले यह स्थिति नहीं थी। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह स्टार बल्लेबाज के लिए खतरे की घंटी है। कनेरिया का मानना है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ कोहली का संघर्ष उन्हें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में परेशान कर सकता है। बता दें, भारत जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेगा। बता दें, विशाखापट्टनम में मिली हार के बाद टीम इंडिया का इस साल लगातार वनडे में जीत का सिलसिला भी रुक गया। वहीं चेन्नई में 22 मार्च को सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर 3 मैचों की यह सीरीज अपने नाम करना चाहेगी।